हाँ बोलो दया, क्या है? आपने खाना खा लिया? हाँ खा लिया। अरे नहीं खाने का था। क्यों? आप रात को घर पर आइए तब बताती हूँ। हाँ हेलो, अरे हाँ बापूजी, एक बात बताना भूल गई। ये हमारे हाथी भाई है ना, 30 किलो वजन कम किया है। अब वो हाथी में से हिरण बन के आएंगे। तो बापूजी एक बात पूछूं, आप ऐसे हिरण जैसे? अरे मैं तो बचपन से ही एकदम तंदुरुस्त हूँ बहू। तो फिर टप्पू के पापा ऐसे क्यों? अरे जेठिया तो अपनी माँ पे गया है, दोनों खाने में एकदम शौकीन। आपको नहीं लगता है कि टप्पू के पापा को आपके जैसे हिरण बनने की जरूरत है? बात तेरी सही है बहू। हाँ। आने दे उसे। हाँ मैं आता हूँ। हाँ कल मिलते। दया, बापूजी बहुत जोर की भूख लगी, क्या खाने में क्या है आज? बेटा इधर आ। हाँ बहू तेरी बात एकदम सही है। बेटा वजन कम करना होगा। किसका? तेरा। क्यों? क्यों क्या? हाथी भाई ने 30 किलो वजन कम किया है। तो हाथी भाई ने वजन कम किया है तो उसमें मैं क्यों वजन कम करूं? तंदुरुस्ती के लिए। बापूजी मैं तंदुरुस्ती हूँ। अरे क्या तंदुरुस्ती हूँ बापूजी, ये देख तेरा पेट देख कितना बाहर आ गया है। आप पर उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा तकलीफ नहीं है, बापूजी मैं बताती हूँ। पहले ये फीते वाले जूते पहनते थे, अब ये बिना फीते वाले जूते पहनते हैं। पूछिए क्यों? क्या? अभी मुझे ये स्टाइल पसंद है इसलिए। अच्छा स्टाइल, आपकी सब स्टाइल मुझे मालूम है। बापूजी फीते वाले जूते बांधने में इनका बड़ा सा पेट बीच में आता था ना, इसीलिए अब इन्होंने बिना फीते वाले जूते पहनना चालू कर दिया है। बोलो क्या? बोलो तू बोल। तो मतलब अभी क्या? आज से तेरा खाना बंद। मतलब एक टाइम का खाना बंद। एक टाइम का खाना बनना ठीक है, चलो अभी तो खाना दे है? कल से मैं एक ही टाइम खाऊंगा बस। चल ये भाई एक टाइम का खाना बंद मतलब तेरा रात का खाना बंद, और वो भी आज से। क्यों सिर्फ रात का खाना बंद? अरे सुबह तो तू दुकान में चोरी छिपे खा लेगा, लेकिन रात को तो इधर घर में हमारे सामने रहेगा ना। बापूजी मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या? अभी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्या दुकान से मैं निकला ना तभी मुझे पता नहीं था कि घर पहुंचते ही मेरे ऊपर ये सब कायदे कानून लागू पड़ जाएंगे। तो अभी मुझे खा लेने दीजिए, इसके बदले में कल सुबह मैं खाना नहीं खाऊंगा। जेठिया। बापूजी दया सॉरी। कैसी बीवी दी है तूने प्रभु मुझे। आज इसने किचन को लॉक करके रखा है। बोलो लगता है भूखा ही सोना पड़ेगा। एक मिनट, शायद डाइनिंग टेबल पे कुछ पड़ा हो। थैंक यू भगवान, थैंक यू। ये क्या? खाना ढूंढना छोड़ दो, कुछ नहीं मिलेगा। वैसे तो अक्ल नहीं है, लेकिन मुझे परेशान करने के लिए दुनिया भर की अक्ल आ जाती है इसमें। टप्पू के लंच बॉक्स में कुछ बचाओ। वाह भाई, हो कितना सारा खाना है इसमें। एक पूरा बिस्किट और चिवड़े का बचा कुचा चूरा। चलो जो भी है। चिवड़ा